हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज बात करेंगे बैंक नीति। तो देखेंगे कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं बैंक नीति। तो बैंक नीति आप देख सकते हैं, ये आज ऑलमोस्ट 230 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है बैंक नीति। तो इसमें क्या है, आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर को लगता है क्या ये बैंक नीति गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट और नीचे जाने वाला है? तो एग्जैक्टली ये अगर करेंगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। यहाँ पे इसे बोलता है प्राइस ज़्यादा स्पीड, आप देख सकते हैं प्राइस मतलब स्पीड गिरा हुआ है। तो ऐसे ही आपको पता ही होगा, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो इतना प्राइस गिरा हुआ है तो अगर आप यहाँ पे फिर से सेल स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ से हम अगर देखेंगे तो इसको तो हायर टू लोअर पॉइंट आई थिंक 400 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, राइट? यस, यस्टरडे क्लोज एंड टुडे प्राइस आप देखेंगे 400 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। तो अगर आपको सेल लेना है तो मैं पहले ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, एक ट्रायंगल शेप फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग क्या है सपोर्टिंग लाइन, राइट? ये कनेक्टेड किया मैंने, राइट? ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लाइन है। तो सपोर्टिंग लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सपोर्टिंग लाइन। तो सपोर्टिंग लाइन का ऊपर अगर हम सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स भी हो सकता है, राइट? तो इसलिए हमको हमें हम अगर सेल करना है तो इसका नीचे, जैसे आप लोअर पॉइंट आप देख सकते हैं अराउंड 26,700, राइट? 26,700 नीचे में ही हमको सेल लेना है, ये क्योंकि सपोर्टिंग लाइन है। सपोर्टिंग लाइन का नीचे में हमें सेल लेना है, राइट? सो और मतलब कोई जो है यहाँ पे बाय लेना चाहता है, राइट? तो कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता है। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया एग्जैक्टली यहाँ पे, तो वो थोड़ा नीचे सेल लगा देना चाहिए 50 पॉइंट के आसपास, क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है और नीचे आने का चांसेस है, राइट? तो इसलिए हम देखेंगे थोड़ा लार्ज टाइम फ्रेम कहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है? तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 आवर शार्ट। तो 4 आवर शार्ट में आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल शेप, ठीक है? और एक बात याद रखना चाहिए, मतलब अभी देख सकते हैं किसी ने यह 4 आवर चार्ट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज ब्रेकआउट कर दिया, फिर से ये मार्केट नीचे आने वाला है। तो इसलिए क्या होता है, तो हम अगर देखेंगे तो पिछले मार्केट बिहेवियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा ब्रेकआउट किया था 200 मूविंग एवरेज ये पोर्शन, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया था, फिर से किया, राइट? यहाँ से भी एक ही हो सकता है, 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा रिस्क हो सकता है सेल के लिए, राइट? तो अगर हमें सेल लेना है तो इसलिए हमें थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम, जैसे हम देखेंगे अभी 15 मिनट में आप देख सकते हैं 15 मिनट में, तो इसका नीचे ही लेना चाहिए जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है अराउंड 26,700 का नीचे, राइट? यहाँ से अगर सेल करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट आप 200 पॉइंट का रख सकते हैं 26,500 का आसपास, राइट? सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।